और जो चीप क्वालिटी के होते हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, बट वो वाला तो हेयर ऑयल क्या होता है बचका कर दिया मेरा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा ब्रेकफास्ट अभी तक बाकी है और भाई जी जैसे कि आने वाले नहीं हैं थोड़े दिनों तक, तो ब्रेकफास्ट को भी एक तरफ मैंने प्रिपेयर कर दिया है। अभी लगा देती हूँ झाड़ू पोछा, रात के बर्तन भी पड़े हुए हैं क्योंकि उनकी जो बेटी आती थी वो भी आज आई नहीं है। पता करती हूँ अगर नहीं आई होगी तो अपन को ही करना है, फटाफट से करती हूँ क्योंकि आज शॉप पे मीटिंग है एक ब्रांड की। सो इसीलिए एक भी है और हमारी शॉप पर आने वाला है तो उसी के रिलेटेड एक मीटिंग है, तो हमको जल्दी जाना पड़ेगा शॉप पर। और आज और सर्विसेज हैं ब्राइडल की, सो जल्दी ही फ्री हो जाते हैं। फटाफट से सारे काम तो निपट लिए, झाड़ू पोछा हो गया, बाहर आंगन भी धो दिया पूरा, और अभी मैंने खाना भी बना दिया है, आटा गूंथ दिया है, चावल भिगा दिए हैं, दाल फ्राई कर दी है। बस ये दाल बॉईल हो इतनी देर है और मैं इतने में नहा लेती हूँ, रेडी हो जाती हूँ। और अभी सिर्फ टाइम हुआ है 11:15 बाकी, तो आई होप मैं 11 तक तो फ्री हो जाऊँ, 11:30 तक तो हो ही जाने चाहिए। प्रयास रहा सक्सेसफुल, 11:30 तक मैं हो गई हूँ फ्री और अभी जा रही हूँ खाना वगैरह सब कंप्लीट खा के शॉप पर, क्योंकि शॉप पर क्लाइंट्स हो गए स्टार्ट और चिकू ने भी खाना खा लिया है और आई होप रोज इसी टाइम पे काम हो जाए। हो गया ना, कैमरा हो चुका है क्लीन और अब निकल गए शॉप के लिए। आज एंटोर के किसी कारणवश बेचारी खराब हो गई है, सेल्स नहीं लग रहा। ऑप्टिमा है, ऑप्टिमा भी बाजार की है, देखते हैं अब कौन सी गाड़ी रहता है। चलते चलते मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, मैं आ गई थी शॉप पे। शॉप पे आने के बाद नॉन स्टॉप सैलून में काम था क्योंकि क्लाइंट्स ऑलरेडी पहले से ही आ गए थे, ज्योति काम कर ही रही थी, फिर मैं काम में लग गई, कैसे टाइम हो गया। और अभी आया है यश, और यश और हम दोनों जाने वाले हैं घर के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए क्योंकि पापा ने कुछ ऑर्डर दिया है, एक भाई यही लेके आना। तो यश आज आया है, यश के साथ भेज देती हूँ ताकि लगे हाथ काम भी हो जाएगा। तो अभी हम जा रहे मार्केट। यश जा रहा है अभी और मैं भी अब आगे से फ्री होके पीछे जा रही हूँ शॉपिंग करके। तो हम लोग आ गए और अब पीछे सलून में काम चल ही रहा है तो साथ ही साथ सलून का भी काम करते हैं। अभी जस्ट हुई हूँ मैं फ्री कस्टमर से और 7:00 जब से आई थी तब से नॉन स्टॉप बिजी थी, आगे नहीं तो पीछे, पीछे नहीं तो आगे, क्योंकि हैप्पी बियर भी नहीं है तो काफ़ी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इस बीच चिकू भी दौड़ दौड़ के आते रहते हैं और बताते रहते हैं और हेल्प करते रहते हैं। मेरे यहाँ पर पिम्पल हो रहा है, इतना ज़्यादा नाक दर्द हो रहा है, इधर अलग ही दिख रहा होगा साइड साइड में, इधर नहीं है, इधर अंदर की तरफ हो रहा है, पहली बार हो रहा है मेरे ऐसे पिंपल। और शॉप पे पानी भी ख़त्म हो गया है आज, क्या बता, आज बॉटल ली नहीं है और पानी ख़त्म हो गया, मेरे को लग गई है प्यास उस वजह से हल्की हल्की खांसी आ रही है और खराश भी लग रही है। अभी आएंगे चिकू मेरे को लेने के लिए, फिर हम दोनों जाएंगे घर और मैं करूँगी थोड़ा रेस्ट। मैं काफ़ी टाइम तो मैं आपको बताती भी नहीं हूँ कि कितनी बिजी रहती हूँ, क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसा कितनी बार होता है कोई चीज़ें मैं शूट कर ही नहीं सकती। अब हालांकि सलून का काम तो मैं शूट कर ही नहीं सकती बिकॉज अंदर अब कोई कंफर्टेबल हो या ना हो, पर जो लोग कंफर्टेबल होते हैं उनके हेयर कट्स वगैरह तो मैं दिखाती हूँ। चिकू मेरे को कितनी बार बोलते हैं ये चीज़ कैप्चर नहीं हो रही, वो चीज़ कैप्चर नहीं हो रही, पर कितनी बार ऐसा होता है ना मैं बिजी इतनी होती हूँ वो चीज़ कैप्चर करना मुश्किल हो जाता है। और चिकू जैसे ही शॉप करो पर आया तो चिकू आप सबके लिए लेके आए हैं गुड न्यूज़। शॉप करो पर जितने भी प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं उन सब पे कुछ ना कुछ ऑफ़र आया है और ऑर्गेनिक हार्वेस्ट पर कुछ स्पेशल ऑफ़र आया है और वैलेंटाइन डे का ऑफ़र शॉप करो पर स्टार्ट हो गया है। तो विजिट कीजिए और पता कीजिए अपनी अपनी जो भी फेवरेट ब्रांड है और जो प्रोडक्ट आपको बाय करना है उनके ऊपर ऑफ़र है, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी परचेजिंग करने में। तो विजिट करते रहिए और व्लॉग में भी बने रहिए ताकि आपको पता चले कि आगे आगे क्या क्या मैं ऑफ़र्स बताती क्यों नहीं हूँ, क्योंकि ऑफ़र्स बता दूंगी तो फिर आप शॉप पे विज़िट करने नहीं आओगे। तो क्लोजिंग हो गई है,
और अब जाएंगे घर पे, घर पे जाके प्लान करते हैं क्या बनाते हैं खाने में। लेट्स गो टू होम। घर आ चुके हैं। ये आज का खाना जो कि मम्मी ने बनाया है, पीठ और मीठा दूध। जिसके पीठ के साथ मीठा दूध अच्छा लगता है तो एक बार घी के साथ खाएंगे अच्छे से, और फिर दूध के साथ। और आज मम्मी ने खाना बनाया तो मैंने कितने 3-4 दिन के कपड़े पड़े हुए थे वो सारे समेटे घर पर आकर, तो अभी कंप्लीट हो गया है काम अपना। कल सुबह की हैडक नहीं रहेगी कि ये सब काम बाकी है, सुबह का काम हो जाएगा इजीली। और अभी मैं खा लेती हूँ खाना। खाना हमने खा लिया है और मैं अभी आई हूँ भगवान वाले रूम में, थोड़ी देर यहीं पर बैठूँ। इच्छा हो गई आज तो बड़े दिनों बाद। आपने तो अलग इस रूम की फ्रेम देखी नहीं होगी क्योंकि हम 4 जने ही रहते हैं और इस रूम में कोई आता भी नहीं, इसलिए ये रूम एकदम साफ़ सुथरा जमा हुआ ही रहता है। सिर्फ मम्मी पूजा करने के लिए आते हैं जो कि ये हमारा मंदिर है। और कल पापा मम्मी पापा के घर पे भी जाना है क्योंकि जो मम्मी पापा के घर का रेनोवेशन हुआ है उसमें रखी है छोटी सी पूजा। और कल है मेरी ब्राइडल, तो कैसे करूँगी वो सोच रही हूँ और दिमाग में सारी कुछ सेटिंग बैठानी है क्योंकि हैप्पी बियाह भी नहीं है, तो सारा मैनेज करना पड़ेगा और मुझे तो जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि मम्मी ने जल्दी बुलाया है इसलिए। सो सारी पैकिंग्स करते हैं, और पैकिंग तो क्या करनी है, जाने की सेटिंग करनी है, सेटिंग करनी है। और मेरे को भी करनी है मेरे बालों में हेयर ऑयलिंग, तो अभी मैं हेयर ऑयलिंग करूँगी। और कल मम्मी पापा के घर के घर पर पूजा भी है, हालांकि कुछ ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं है, छोटा ही फंक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग पर कैसे जाऊँगी। कल मेरी ब्राइड्स है, ब्राइडल को जल्दी रेडी करना पड़ेगा। ना ब्राइडल कब फ्री होती है वो भी तो डिपेंड करता है ना, ब्राइड कॉल भी नहीं उठा रही, कॉल करके पूछती हूँ एक बार। और हेयर ऑयलिंग करती हूँ, ये वाला ऑयल कर दूँगी मैं, ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का एंटी डैंड्रफ, क्योंकि इसके ऊपर ये कॉम्ब भी दे रखा है तो एप्लीकेशन करने में काफ़ी इजी रहता है। तो अभी ये ऑयलिंग करती हूँ। और मेरे को आज ये नाक दर्द हो रहा है ना, तो थोड़ा मेरा मूड अच्छा नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक कोई अच्छा परफ्यूम लगाऊँ या फिर इत्र लगाऊँ, क्योंकि मेरे पति के पास बहुत अच्छा परफ्यूम का कलेक्शन है जो कि मैं आपको काफ़ी बार दिखा चुकी हूँ, और इसके ऊपर आपको काफ़ी जल्दी हम इसके ऊपर काफ़ी जल्दी आपके पास वीडियो आने वाली है। और सारे परफ्यूम से हमारी कुछ ना कुछ यादें जुड़ी हुई है, हमने कहाँ से ख़रीदा है, क्या है, और कितने परफ्यूम से ऐसे हैं जो चिकू ने मुझे गिफ्ट किए हैं, मैंने चिकू को किए हैं, क्योंकि हमारी मेमोरीज तो परफ्यूम से ही जुड़ी हुई रहती है। अगर आपने मुझे आप मुझे लॉन्ग टाइम से अगर देख रहे हो, क्योंकि मैं परफ्यूम्स के बाद बहुत ज़्यादा करती हूँ मेरे व्लॉग्स में। आपने शादी में कौन सा लगाया था, रिसेप्शन में कौन सा लगाया था? अंबर मस्क। ओके काफ़ी इतना, और इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा अल्टीमेट है। ये वाला परफ्यूम जैसे कि शादी का है, चिकू ने अभी बोला शादी वाला परफ्यूम लगा, शादी में भी रिसेप्शन का है, हर यानी हर चीज़ से इतनी यादें जुड़ी हुई है। और आप समझ ही सकते हैं हमारी अभी वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है 20 को, 4 साल से ये परफ्यूम जब भी लग रहा है तब यानी शादी वाली फीलिंग आती है। तो परफ्यूम्स क्या है, क्योंकि परफ्यूम्स ऐसी चीज़ें अगर किसी को शौक है लगाने का तो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते रहते हैं क्योंकि उसके पास होते भी बहुत ज़्यादा है, और परफ्यूम ऐसी चीज़ें एक्सपायर होने के बाद भी लगाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। और जो चीप क्वालिटी के होते हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, बट अब कोई कोई ब्रांड्स बहुत अच्छी हैं और उनके हम परफ्यूम्स यूज़ करते हैं तो उनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो ये अच्छे अच्छे महंगे महंगे परफ्यूम्स होते हैं उनकी फ्रेग्रेंसेस सारी बनती हैं, कहीं फ्लोवर से बनती हैं, कहीं वुडी फ्लेवर होते हैं तो वुड से बनती है, पचोली से बनती है, मस्क होता है, सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसलिए इनसे हमको क्या होगा। इसलिए परफ्यूम्स तो एक्सपायर होने के बाद भी कोई हमको हार्म नहीं करने देते। हाँ, पर ये चीज़ है, अगर आप परफ्यूम एक्सपायर होने के बाद बॉडी पे लगाने के ऊपर कंफर्टेबल नहीं हो तो आप कपड़ों पर भी छिड़क सकते, और हमको तो शौक है इसलिए छिड़केंगे ही। अब ऑयलिंग करूँगी बालों में क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और बिज़ी रहती हूँ, तो बिज़ी स्केड्यूल हो जाता है, उसके साथ साथ हेयर केयर नहीं हो पाता है, पर हेयर केयर करना काफ़ी ज़रूरी है, तो अभी होगा मेरा ऑयलिंग। और आज मैं मेरा खुद सेल्फ हेयर ऑयल करके आपको बताने वाली हूँ, नहीं तो चिकू हेयर ऑयल कर देते हैं, ज्योति कर देती है। चिकू वाला तो हेयर ऑयल क्या होता है, पूरा एक साथ यहाँ पर डाल देंगे करके पूरी उंगली अंदर अंदर घुमाते रहते हैं। कर दो क्या मुझे हेयर ऑयलिंग?
अब हो रही है मेरी हेयर ऑयलिंग। ये मेरी योगा मैट काफ़ी दिनों से यहाँ पे पड़ी हुई है जो कि यूज़ नहीं हो पा रही है क्योंकि बीच में बढ़ गई थी थोड़ी सर्दी ज़्यादा और मुझे खांसी भी हो गई थी, अगर आपको पता हो तो। खांसी इसीलिए हुई थी क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ रही थी और यहाँ पर मेरा कैमरा हो रहा है गिम्बल पे सेट कर रहे हो क्या मतलब जी यहाँ रखा पचका कर दिया मेरा। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ सेल्फ हेयर ऑयलिंग कैसे करें अच्छे से और हेयर ग्रोथ को कैसे प्रमोट करें साथ साथ में, क्योंकि हम खुद हेयर ऑयलिंग करते हैं तो हमारा हेड स्ट्रेट रहता है। तो स्ट्रेट हेयर में हम एक बार ऑयलिंग कर देते हैं और प्रॉपरली आपको एक एक मसाज बताऊंगी जो आपके हेयर ऑयल करने पर आपके बाल जो है हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगी, क्योंकि हमारे जो पोर्स हैं हमारी जो स्कैल्प के डीपली अंदर तक हमारा ऑयल जा पाए। तो जो मेरा ऑयल है उसके ऊपर ऐसी कॉम बनी हुई है जो कि मुझे हेयर ऑयलिंग करने में काफ़ी हेल्प करेगी। पूरे बालों में तो मैंने एक बार ऑयल लगा दिया है और अब ऐसे ऐसे करके पूरे बालों में मसाज करूँगी। और सबसे अच्छी मसाज मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे हम खड़े रहेंगे और ऐसे झुकेंगे और ऐसे झुक के जो हम मसाज करेंगे हमारे बालों, इसमें क्या होगा कि हमारा जो हेड है वो नीचे जाएगा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट होगा और हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से हमारे स्कैल्प के अंदर पेनिट्रेट होगा ताकि हमारी हेयर ग्रोथ जो है वो प्रमोट होगी। और ऑयल अगर अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया हो तो बिल्कुल हेयर ग्रोथ तो प्रमोट होगी ही। मैं क्या हेयर कट करती रहती हूँ इसलिए बाकी हेयर ग्रोथ काफ़ी है। मैंने कर लिया है चेंज और अब मैं सो रही हूँ, तो यहीं पर कर देती हूँ मैं ब्लॉग का एंड। अगर आज का ब्लॉग देखने के बाद अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से ब्लॉग में। ओके बाय।